पार्टी बनाई है जिसको हम भारतीय ट्राइबल पार्टी के नाम से जानते हैं, बीटीपी। बीटीपी के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के लोकसभा कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक बहुत अपफ्रंट लीडर हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से इस बार ये आए हैं, एग्रेसिव लीडर हैं, अपनी कम्युनिटी की बात को उठाने में झिझकते नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूँ कांति लाल राउत की, जो जिनको कांति भाई आदिवासी के नाम से भी जाना जाता है। सर, सबसे पहले शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप मुझे ये बताएं कि ये किस तरह की पॉलिटिक्स है, क्या इसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स माना जाए या क्या है भारतीय ट्राइबल पार्टी, आप इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो आपका ये न्यूज़ चैनल है उसको धन्यवाद जोहार, आपने अपने प्रदेश में आके हमारा जो बात आगे ले जाने की बात कही है। भारतीय ट्राइबल पार्टी एक विचारधारा है, पार्टी नहीं है ये, जो दबे कुचले लोग हैं और दूसरा इस देश के मूल मालिक हैं। हम नहीं बोल रहे, संविधान बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, देश के मूल मालिकों की आवाज़ आज तक दबाई जा रही थी उसको आगे करने के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी अपना काम कर रही है। दूसरा, इस इलाके में भारत देश के अंदर जो दलित समाज है उसको कहीं न कहीं आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी आवाज़ को संसद में रखने के लिए, उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए ट्राइबल पार्टी का एजेंडा है। दूसरा, इस आपका ओबीसी वर्ग का लोग है वो भी कहीं न कहीं प्रताड़ित है। दूसरा, तीसरा, यहाँ का जो इस इलाके में भारत देश के अंदर जो एक राजनीति चल रही है धर्म के नाम पे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उसका भी विरोध करते हुए भारत का नाम संविधान में इंडिया डेट इज ए भारत लिखा हुआ, ये लोग हिंदुस्तान चिल्लाते हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं और हमारे इलाके में आरएसएस और वनवासी के नाम से आदिवासियों को गुमराह करने का काम चल रहा है, उसके एंटी में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा, मुस्लिम समुदाय को आज कोई भी आदमी प्रताड़ित करना चाह रहा है, मुस्लिम समुदाय आज देश में सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम कहीं न कहीं प्रताड़ित है, आपको भी मानना पड़ेगा, सारे देश को मानना पड़ेगा, नरेंद्र जी मोदी को मानना पड़ेगा और राहुल गांधी को भी मानना पड़ेगा। फालतू की राजनीति करते हैं ये लोग, क्या बना रखा है ये, वोट आते ही मुस्लिमों को कहते हैं ये करो वो करो ये करो। मुस्लिमों के लिए सच्ची कमेटी बनाई थी उसको दफन कर दिया गया है। अगर हम संसद में जाएंगे तो मुस्लिमों के लिए भी आवाज उठाएंगे और भारतीय ट्राइबल पार्टी का एजेंडा मुस्लिमों की रक्षा करना है। दूसरा, और जो गरीब वर्ग के लोग हैं जो कहीं न कहीं जो कहते हैं कि हम लोग अमीर हैं, अमीर जो पूंजीपति वर्ग है वो पूरे देश में राज कर रहा है, लेकिन गरीब वर्ग का आदमी आज वही स्थिति में है, इसके लिए भी आवाज बीटीपी उठाएगी, ये इस इलाके में काम हो रहा है। दूसरा, बीटीपी के साथ में इस इलाके में हमारा एक जनजागरण और हो रहा है, बिल प्रदेश बनाने का जनजागरण हो रहा है, बिल प्रदेश बनेगा ये बीटीपी का एजेंडा है और हमारे आदिवासी समुदाय का एजेंडा है कि बिल प्रदेश बनना चाहिए। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जो पांचवी अनुसूची का इलाका है उस इलाकों को लेके हम लोग काम कर रहे हैं और बिल प्रदेश बनना चाहिए, फिक्स शेड्यूल लागू होना चाहिए, धरातल पे क्रियान्वित होना चाहिए और आपका ये जो आपका संविधान में दे रखा है आर्टिकल 243(z)(c) के अंतर्गत इस इलाके में नगर परिषद नगर पालिका नहीं होनी चाहिए, अवैध है, गैर कानूनी है, बोल रहा है संविधान बोल रहा है, लेकिन संविधान को दरकिनार करते हुए इन लोगों ने इस इलाके में नगर पालिका नगर परिषद बनाया है, उसके लिए भी हमारा फाइट है, वी वॉल द फाइट इन लोगों के अगेंस्ट में है, क्योंकि ये उपनिवेश बना रहे जैसे अंग्रेजों के समय में बनाया था, वैसा उपनिवेश बना के आदिवासी इलाके में सारी जमीन अधिग्रहण करने का मामला है। इस इलाके में जो भी रेल परियोजना आ रही है, इस इलाके में आपका पावर प्लांट लग रहा है, ये सारे आदिवासियों को तबाह करने का, विनाश करने का मामला है और इस इलाके का जो प्राकृतिक पर्यावरण है आप इस कैमरे से देख सकते हैं, खुली हवा, इनको एसी की जरूरत नहीं है, एसी कहीं नहीं लगती हमारे में, और बंद कमरे में जो एसी में बैठ के ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं उनके लिए भी हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि इस इलाके में आके देखिए कहीं हमको ग्लोबल वार्मिंग का नहीं है, आप सिटी में रह के सारे पेड़ पौधे काट दिए, आपने पर्यावरण प्रदूषण कर दिया, ये सारे मामले हैं। दूसरा है कि हमारा जो जंगल का जमीन है उसमें आदिवासी अपनी परंपरा के आधार पर रह रहा है और देश भर में नरेंद्र भाई मोदी अभी वर्तमान बीजेपी सरकार है उस सरकार ने हमारी पैरवी सही नहीं की और उसके अंदर 47 सांसद जो बैठे थे वो चाय और समोसा खाने के लिए गए और आदिवासियों की पैरवी सही नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग वहां पे जाके 11 लाख आदिवासी का जो दावा था यानी 11x5 एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं 55 से 60 लाख और कुछ दावे पेश ही नहीं हुए, 1 करोड़ आदिवासी को
तबाह करने का जो षड्यंत्र चल रहा है उसके लिए भी हम बीटीपी आवाज उठा रही है कि जंगल जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा पहला अधिकार है। ये सारी बातें बीटीपी उठाने वाली है और आम आदमी का विकास करना, आम आदमी की समस्याओं को वहां रखना, ये हमारा मकसद है। हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है, हमारा मकसद लोगों का विकास करना है, लोगों की भावनाओं को रखना है। वहां लोकतंत्र का मंदिर बना रखा है, उस मंदिर में क्या बोले अभी, उस मंदिर में कुछ बना रखा है उन लोगों ने, अवशेष गंदा कर रखा है, तो कोई ना कोई एक तो जाना चाहिए जाए। हमारा सवाल आपसे ये है कि आप यूथ पॉलिटिक्स से आए हैं, आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं, आपके पार्टी ने भरोसा किया और आपको टिकट दिया है सिलेक्शन में, आप मुझे ये बताइए कि आप इस एस्पिरेशनल यूथ के लिए, जो यूथ अभी कॉलेज से पास आउट है, उसका पूरा फ्यूचर है उसके सामने, आप विरोध कर रहे हैं यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। हमारा ये क्वेश्चन जरा टफ है लेकिन आप सुनिएगा कि आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आप पे रेल लाइन आए, आप नहीं चाहते हैं कि किसी तरह के कोई और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आए, तो आपको लगता नहीं है कि ये जो आपकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी? और दूसरी बात ये कि ये विरोध, इन विरोध के साथ आप अपने जो आपका जो एस्पिरेशनल यूथ है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करवाएंगे अगर ये प्रोजेक्ट नहीं आए तो? ये आपका सवाल था, विकास का विरोध हो रहा है कहीं ना कहीं, जरा आपका कैमरा उधर घुमाइए, घुमाइए, हट जाइए साइड में, हट जाओ थोड़ा सा, वो दिख रहा है पूरा, साइड फाड़ो भैया, वो दिख रही है पूरा। यहाँ पे अगर कल फैक्ट्री लग जाएगी विकास के नाम से तो लोग क्या खाएंगे, ये जमीने चली जाएगी, जमीने चली जाएगी, लोग कहाँ रहेंगे, ये विकास होगा क्या? अभी हमने कहा रेल का मामला है, बहुत सारे आदिवासी जहाँ वर्षों से हजारों साल से उस इलाके में रह रहे हैं, वो सारी जमीनें अधिग्रहित कर ली गई, झोपड़े थे वो हटा दिए गए, अब रेल में क्या करना है हमारे इलाके में, मैंने पहले ही कहा है रेल लाने के लिए उनका षड्यंत्र है। इस आदिवासी इलाके में हजारों करोड़ लाखों टन मार्बल माइंस यानी खनिज संपदा छिपी हुई है, उसको निकालने के लिए, चोरी करने के लिए रेल ला रहे, नहीं चाहिए हमको रेल, ये युवा कैसे रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा? मैंने कहा ये खेत खलियान है, यहाँ पानी नहीं है, माही का पानी, कडाना का पानी, यहाँ बड़े बड़े डैम है, उसका पानी अमरेली जा रहा है, गुजरात के आदिवासियों को नहीं मिल रहा है, राजस्थान के आदिवासियों को मिल रहा है, मध्य प्रदेश के आदिवासियों को पानी नहीं मिल रहा है, कम से कम उस खेत में पानी तो जाए, विकास कैसे होगा, रोजगार कैसे उत्पन्न होंगे? हम प्रकृति पूजक हैं, इस धरती के वारिस हैं, और हम किसान हैं, आदिवासी के बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार जमीन से ही निकलेगा और जमीन से ही रोजगार उत्पन्न होगा, और जमीन के अंदर ऐसी फसलें पैदा होगी, उस फसलों से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती है, और इस फसल से सारा विश्व चलता है, जो आप और हम सब ये पेट भरते हैं, वही रोजगार नहीं है तो क्या है, और कौन सा रोजगार चाहिए? यहाँ से अनाज पकाइए, सब्जी पकाइए, फल फ्रूट पकाइए और वो फल फ्रूट बेचिए, पैसा आपको मिलेगा, हमारे युवाओं को मिलेगा, और दूसरा गवर्नमेंट की नौकरियां हैं छोटी मोटी, वो भी तो है, रेल से थोड़ी होगी, पावर प्लांट से थोड़ी होगी। अब सर पावर प्लांट का बताता है, रोजगार की बताती है, अगर पावर प्लांट बन भी जाता है इस इलाके में तो कौन से आदिवासी युवा ने आज इंजीनियरिंग कर रखी है, कौन से आदिवासी आज टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हैं, कौन से आदिवासी आज मानसिक तरीके से आज इतने डेवलप हो चुके हैं? तो यहाँ इंजीनियरिंग आपका पावर प्लांट बनेगा तो जितने भी इंजीनियरिंग बाहर से आएंगे सारी नौकरियाँ वो ले जाएंगे, सारे रोजगार वो ले जाएंगे, हमारे आदिवासी को एक मजदूर बना के ही रखेंगे और वो झाड़ू निकालता ही नजर आएगा, इसलिए ये पावर प्लांट हमको नहीं चाहिए, ये तो रोजगार की बात होगी, लेकिन पावर प्लांट से इतना रेडिएशन बाहर निकलेगा, आप वंडर कर सकते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम हुआ था, उस बम के अंदर मात्र 1 MB का था, इतना सुनना था 2 MB का होगा, तो आज तक वहां घास नहीं उगी हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, और ये जो भाषणा के अंदर पावर प्लांट लगाया जा रहा है वो 20,000 MB का है, तो उसके रेडिएशन से ही आने वाले संतानें लूली लंगड़ी बेरी इंसानी पैदा नहीं होंगे, क्या करना है पावर प्लांट? ये विकास बहुत बढ़िया लगेगा दिल्ली में बैठे हुए, बॉम्बे में बैठे हुए, सभी लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन हमारे लिए विनाश का रास्ता है, नहीं चाहिए ऐसा विकास।
हमारा आखिरी दो सवाल, फोन बंद करो भाई, वो रिकॉर्डिंग कर, हमारा आखिरी दो सवाल आपसे ये है कि किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं, और ये कि जो अभी की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उसमें बहुत रिसोर्सेज की जरूरत है, आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, कैसे चैलेंज कर पाएंगे इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को? तो हमारा पहला सवाल है मुद्दों का, किन मुद्दों के को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, और ये कि आप, दूसरा सवाल ये है कि आप इन दोनों पार्टीज को जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत रिसोर्स है, बहुत पावर है, उसको कैसे काउंटर करेंगे चुनाव जीतने के लिए? चुनाव में जाने के लिए हमारे मुद्दे आपने पूछा है आप टीवी चैनल ने, बहुत बढ़िया। चुनाव में जाने के लिए मुद्दे, हमारा जो धरातल के मुद्दे, हमने मुद्दे नहीं बनाए, हमारे यहाँ के लोगों के जो मुद्दे, उनके दिमाग में जो मुद्दे हैं वही मुद्दे रहेंगे। हमारा जो कोई ऐसा कोई घोषणा पत्र नहीं, लेकिन हमारे लोगों को देखते हुए उन्हें, उन्हीं की आवाज़, वही मुद्दे चाहिए। कलाणा का पानी, माही का पानी आदिवासी इलाके में हमारे लिए प्रथम प्राथमिकता है, वो हमको मिलना चाहिए। दूसरा है पांचवी अनुसूची, अगर यहाँ इस इलाके में लागू हो जाएगी। पांचवी अनुसूची में है आप, छठी अनुसूची में? नहीं नहीं, पांचवी अनुसूची में है, बेशक आप भी आप पांचवी अनुसूची में खड़े हैं, और आपको भी यहाँ आने के लिए परमिशन लेनी चाहिए इस गांव के गमिति से, यह पांचवी अनुसूची में लिखा है, लेकिन आप हमारे मेहमान है, ये हमारा एक व्यवहार है कहने का। तो ये जो पांचवी अनुसूची आज तक 1874 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, भारत सरकार अधिनियम 1919 बना, उसमें भी फिफ्थ शेड्यूल आया, भारत सरकार अधिनियम 1935 सेक्शन 91-92 में आया, और आपका देश का इंडिपेंडेंट एक्ट बना, तो उस एक्ट में पांचवी अनुसूची को एज टू एज रखा। कहीं किसी ने, जितने भी पॉलिटिशियन देश के अंदर हुए ना, उन्होंने पांचवी अनुसूची नहीं, वे बोलते हैं हमने पांचवी अनुसूची दी, हमने लिखा वो लिखा, किसी ने नहीं दिया। भैया अंग्रेजों से लड़ झगड़ के, फाइट करके, फ्रीडम फाइट करके अपने नेतृत्व में आदिवासियों ने पांचवी अनुसूची को लिखवाया है, और आज तक पांचवी अनुसूची धरातल पर लागू नहीं कर पाना, ये हमारे लिए और इस संसद में बैठे जितने भी सांसद हैं हमारे, उनके लिए शर्मनाक का विषय। अगर देश के अंदर पांचवी अनुसूची हमारे इलाके में 10 राज्य में है, लागू नहीं हुई, इसलिए अगर हम ये बिल प्रदेश का नाम ले रहे हैं, अगर आने वाले समय में बिल प्रदेश बन जाता है तो छठी अनुसूची सीधी शर्ट उनको देनी पड़ेगी, और छठी अनुसूची में हम लोग जाएंगे और हमारा काम होगा। भाई हमारा फाइनल क्वेश्चन कि रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, कैसे चैलेंज करेंगे आप इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को? रिसोर्सेज तो हमारे पास नहीं है, मैं स्वयं बीपीएल परिवार से हूँ, ईसाई बीपीएल परिवार से हूँ। रिसोर्सेज मतलब हमको ये गांव में फील्ड में दौड़ना, यही हमको चाहिए ना। अभी चुनाव के लिए 12,500 रुपये कुछ राशि थी, वो हमारे लोगों ने ही निकाल के दिया। अब रिसोर्स हमारे पास नहीं है, अभी ये जितने भी लोग, जितने भी हमारे ये घणवीर आए हैं, हम इनको लोग नहीं बोलेंगे, मतलब गणतांत्रिक देश के अंदर घणवीर, भारत देश के अंदर ये गणवीर आए हैं, वो अपने स्तर पे, अपने दम पे उन लोगों से टक्कर लेंगे, मुकाबला लेंगे, और निश्चित रूप से ये कुदरत हमारे साथ में, ये सूर्य, हम जिसकी प्रकृति की पूजा करते, सूर्य उनको रोज ताकत देगा, पृथ्वी अपने आप उनको ताकत देगी, पेड़ पौधे ताकत देंगे, पानी ताकत देगा, हवा ताकत देगी, और कांग्रेस बीजेपी हमारे इस तूफान और जल जल के सामने कहीं न कहीं नष्ट नाबूद हो जाएगी। तो ये थे कांति भाई रावत, जो ये बता रहे हैं कि इनको हमने पिछले 3 दिन से ट्रैक किया, इनसे अपॉइंटमेंट चाहा, अब वो अपॉइंटमेंट आज मिला, आज हमारी बात हुई। उसकी वजह ये थी कि ये डोर टू डोर कैंपेन में बिजी हैं, रिसोर्सेज नहीं है, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बनता है कि लोगों के डोर टू डोर जाएं, लोगों के पास जाएं, उनसे मिले और वोट की अपील करें, बाकी और कोई वो नहीं है। इनका सिंपल कहना है कि इनके मुद्दे बड़े सिंपल हैं, इनके वही मुद्दे हैं जो पूरी ट्राइबल कम्युनिटी के सर्वाइवल के मुद्दे हैं। इनको जमीन पे अपना टाइटल चाहिए, हक चाहिए। इनका कहना यह है कि वो यहाँ के मूल निवासी हैं और इस जमीन पे उनका हक है, यहाँ के जंगलों पे उनका हक है, और उनको उनके हक से बेदखल किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि उनको वाइड स्केल सपोर्ट भी मिल रहा है, और इलेक्शन लड़ने के लिए मोहब्बत की जरूरत होती है, पैसों की नहीं। देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि जनता क्या फैसला करती है। थैंक यू।